नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू साबूदाने के बड़े बड़े पापड़ बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, इस तरीके से आज से पहले आपने पापड़ नहीं बनाया होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर आधा किलो आलू ली हूँ। आलू को धोने के बाद हमें कुकर में डाल के इसे 2 सीटी आने तक बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, तभी अगला वीडियो हमारा आप तक जा पाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नया तरीका है। आप देखते ही इसे बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम बड़ा बड़ा पापड़ बनेगा, एकदम पतला पतला पापड़ बनेगा, एकदम उजला उजला पापड़ बनेगा। फ्रेंड्स, आलू का पापड़ इस तरीके से तो आपने ना बनाया होगा ना ही खाया होगा। अभी आलू हमारा बॉयल हो चुका है। अब आलू को अच्छे से ठंडा करना है, तभी आपको पापड़ बनाना है। ज़्यादा गर्म गर्म आलू आप बनाएंगे, गरम गरम आलू का, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाए। एक आलू आता है जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है फ्रेंड्स, एक आलू आता है जो कि चिपचिपा नहीं होता है। तो आप देख लेंगे आपके पास कौन आलू है। अब आलू का छिलका अच्छे से हटा देना है और सारे आलू को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो जो एक बारीक वाला कद्दूकस आता है उससे नहीं करना, जो एक मीडियम साइज़ का होता है उससे हमें इसका इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। आप मोटे वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे मैश करने में दिक्कत होता है। तो इसी तरीके से सारे आलू को कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। आलू में हमें गुठली नहीं चाहिए ज़रा सा भी। तो आप देख लेंगे कि इसे कैसे आप अच्छे से गूँथ सकते हैं एकदम आटा के जैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे आलू को कद्दूकस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू कद्दूकस करके तैयार कर लिए हैं। आधा किलो हमारा आलू है, इसी के हिसाब से आपको मैं बताने वाली हूँ। इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक। आप यहाँ पर एक बात कर सकते हैं अपने मन से, आप व्रत के लिए बनाना चाहते हैं तो व्रत वाला नमक डाल लें, और ऐसे रोज़ खाने के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आप रोज़ वाले नमक डाल लें। तो फ्रेंड्स, इसमें ना ही जीरा डालूंगी और ना ही कुछ ऐसा, तो आप सिर्फ नमक सेंधा वाला डाल लेंगे तो इसे व्रत में भी बहुत आसानी से खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। और ऐसे रोज़ खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छा से चटपटा जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो सिर्फ इसमें डाली हूँ नमक और इसे अच्छे से गूँथ के एकदम चिकना कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, आलू और हमारा अच्छे से ठंडा होगा, तब तक मैं यहाँ पे साबूदाने को थोड़ा सा भून लेती हूँ। आधा किलो आलू में 125 ग्राम हमें साबूदाना डालना होगा। तो इसी अनुसार से आप जितना बनाना चाहेंगे उतना आप सेट कर लेंगे। जैसे 2 केजी आलू का बना रहे हैं तो आपको 1/2 केजी साबूदाना उसमें डालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छे से इसे भून लेती हूँ। और 1 केजी आलू का बनाएंगे तो उसमें आपको 250 ग्राम साबूदाना डालना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझ लें, इससे ना ही आपको ज़्यादा डालना है ना ही कम डालना है, तो आपका पापड़ एकदम सही बनेगा और बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, साबूदाना जब एक एक चटकने लगेगा, देखिए इस टाइप से हल्का हल्का फूटने लगेगा, तो इसे निकाल लेना है दूसरे बर्तन में और इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए निकाल ली हूँ साबूदाने को। अब इसे अच्छे से ठंडा होके और इसका हमें पाउडर बनाना है एकदम बारीक। तो चलिए, अब साबूदाने को डाल लेती हूँ मिक्सर जार में और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार करती हूँ। बहुत ही मस्त तरीका है, और इसे बनाने में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कड़ा धूप ही चाहिए। आप इस पापड़ को पंखे के हवा में भी सुखा के आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साबूदाना हमारा अच्छे से पाउडर बन चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा दरदरा है, एक बार में नहीं पीसेगा। तो इसे क्या करना है, छन्नी से छान लेना है और जो मोटा वाला इसमें पार्ट रह जाएगा उसे वापस से पीस के बारीक करके फिर से छान के हमें लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बच गया है मोटा वाला, उसे भी छान के ले ली हूँ इसमें पीसने के बाद। अब सारा हमारा साबूदाने का पाउडर तैयार हो चुका है, देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा से। अब यहाँ पर ली हूँ 4 से 5 हरी मिर्ची और इसे भी डाल देना है मिक्सर जार में, और इसका भी दरदरा सा हमें पीस के तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिर्ची का भी इस तरीके से पीस के ली हूँ। हरा मिर्ची डालने से क्या होगा, हमारे पापड़ का कलर चेंज नहीं होगा, एकदम वाइट वाइट सा पापड़ बनेगा। और इसमें जीरा वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें एकदम सफ़ेद पापड़ चाहिए, बहुत ही अच्छा। यदि आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। हम मिर्ची भी डाल दी हूँ आलू में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तो जो आप
आलू और इसमें थोड़ा थोड़ा सा साबुदाना का पाउडर दे के और इसे हमें मिक्स करते जाना, एक बार में पूरा नहीं डालना है, आप थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए और आटा के जैसे इसे गूंथते जाए। इससे क्या होगा कि साबुदाना हमारा आलू में बहुत अच्छे से मिक्स भी होगा और बारीक भी होते जाएगा आलू साथ साथ में। तो आप थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएँ और एकदम इस तरीके से गूंथते जाएँ। आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें साबुदाना का पाउडर डालते डालते पूरा डाल दूंगी और इसे अच्छे से आटा के जैसे आलू को गूंथ के एकदम चिकना कर लेना है। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हर रोज़ आपके लिए दो रेसिपी की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जो कि एक 11 से 12 के बीच दिन में आता है और एक शाम में आता है 6 से 7 के बीच में। और ज़्यादातर हमारा इसी टाइप का रेसिपी होता है, पापड़ का, चिप्स का, बड़ी का। तो आप ज़रूर देखें और ढेर सारा रेसिपी बना के साल भर के लिए, 2 साल के लिए स्टोर करें। हाथ पे हल्का सा तेल लगा के इसे चिकना करना, नहीं तो ये चिपक जाएगा हाथ में। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा लगाइए और इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, आप जब बनाएंगे तो इसे थोड़ा टाइम देके गूंथ लीजिएगा, जितना अच्छा से इसे चिकना कीजिएगा उतना अच्छा आपका पापड़ एकदम खास्ता बनेगा और बनाते वक्त ये टूटेगा नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से आटा के जैसे, देख पा रहे कितना अच्छा से हमारा आलू और साबुदाना मिक्स हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आलू साबुदाने का पापड़ तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखें, आपको सारे तरीके से ज़्यादा यही तरीका पसंद आने वाला है। अब हमारा जो है मिक्सचर तैयार हो चुका है आलू और साबुदाना का, तो अभी ऐसे पापड़ नहीं बनाना है कि सीधे इसे पापड़ बना लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसे थोड़ा इस तरीके से फैला लेना है और यहाँ पर लेना है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देना है पानी 1 गिलास के करीब, और इसमें कोई भी स्टैंड डाल दे आप, इसमें जिस हिसाब से आप चाहे तो इडली वाला में डाल के आप इसे भाप लगा सकते हैं, जैसे भी करें, लेकिन सिर्फ हमें साबुदाने और आलू के मिक्सचर में जो अभी बना के रखी हूँ उसमें भाप लगा के उसे भाप पे पकाना है। तो यहाँ पर डाल दी हूँ जाली और जाली के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर ली हूँ और पानी को गर्म होने देना है। इसके लिए इसमें ढक्कन लगा दी हूँ। जब पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स पानी गर्म हो चुका और भाप आने लगा है, इसके ऊपर से ये आलू और साबुदाने के आटा को डाल देना है और ढक देना है 3 मिनट तक। ये पकेगा बहुत अच्छे से, उसके बाद 3 मिनट के बाद खोल के ढक्कन और इसे निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मिनट करीब हो चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें चाकू डाल के देखें, चाकू में ये चिपक नहीं रहा है, तो समझ लेंगे कि ये पक के तैयार है। बहुत ज़्यादा इसे गीला गीला नहीं करना है, तो बस 3 मिनट, 2 से 3 मिनट ही इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और देखिए पकने के बाद अपने आप ये इस तरीके से बर्तन को छोड़ देगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर देख पा रहे हैं एकदम चेंज हो चुका है, इसका ही बनेगा पापड़। तो आप जब इसमें पापड़ बनाएंगे, हल्का से आप चम्मच से इसे इस तरीके से मैश करें, क्योंकि ये गर्म है। तो जब आप पापड़ बनाएंगे और इसमें जो मिक्सचर रहेगा उसे ढक के रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं कीजिएगा, नहीं तो जब आप इसका शेप देंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप पापड़ बना के दिखाती हूँ आपको। पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ एक छोटा टुकड़ा पॉलीथीन का और एक बड़ा, जिसपे पापड़ डाला जाएगा तो उस पर तेल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। जो छोटा वाला टुकड़ा है उसमें थोड़ा सा चिकनाई लगा लीजिएगा, नहीं तो ये चिपकेगा। अब छोटा छोटा सा हमें इस तरीके से लोई ले लेना है और इसे डाल के इसके ऊपर से पॉलीथीन जिधर से तेल लगा है इसके ऊपर डालना है और ऐसे करके दबा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दबा देना है और एकदम पतला इसका पापड़ बनाना है। तो देखिए इस तरीके से, आज से पहले आपने पापड़ नहीं बनाया होगा, इस तरीके से करके एकदम पतला कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम पतला पापड़ हमारा बनके तैयार हुआ है, और इसी तरीके से सारे पापड़ को बना के और तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। एकदम अच्छे से दबा के पतला कर दीजिएगा, ये टूटेगा नहीं, सूखने के बाद भी पापड़ टूटने वाला नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, एक जगह से पापड़ को आप उठा के इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा है, कहीं भी टूटने का कोई डर नहीं है। और बना बना के आप एक लाइन से लगा दे, आप चाहे तो इसे पंखे के हवा में भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। जब एक तरफ से सूख जाएगा फिर पलट के दूसरे तरफ से सुखाइएगा,
तो चलिए सारे पापड़ को बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा हमारा पापड़ बन के तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ को बना के तैयार कर ली हूँ और काफ़ी बड़ा बड़ा पापड़ बनाई हूँ। आपको वीडियो में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा बड़ा पापड़ है हमारा बन के तैयार हुआ है और ढेर सारा पापड़ बना है। तो चलिए फ्रेंड, जब हमारा पापड़ अच्छे से सूखता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पापड़ सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बन के आया है, एकदम सफ़ेद है, आप देख पा रहे हैं, पता चल रहा है आपको, जो आलू से बना हुआ ये पापड़ है। इतना उजला उजला पापड़ आलू का हो ही नहीं सकता है। जब इसे फ्राई करूंगी फ्रेंड्स, फिर भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। ज़्यादातर आलू के पापड़ को फ्राई करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इस पापड़ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और इसे आप 2 साल भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, इसे तेल में डाली हूँ और देखिए इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा बना है। तो एक पापड़ और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा पापड़ बना है। तो इसी तरीके से आप सारे पापड़ को बना के जितना चाहें उतना फ्राई करें, बाकी का स्टोर करें, 2 साल 3 साल ये ख़राब नहीं होने वाला है, काफ़ी खास्ता बना है। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।